भारतीय क्रिकेट टीम का एशिया कप का सफर खत्म हो गया है। अंतिम मैच में टीम ने जीत दर्ज की और इस जीत की दो बड़ी हाइलाइट्स रहीं, भुवनेश्वर कुमार के 5 विकेट और किंग कोहली का सेंचुरी, किंग कोहली की सेंचुरी जो उन्होंने बहुत कमाल के अंदाज में मारी, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से मारी, स्ट्राइक रेट जिसकी शिकायत बहुत लोग करते हैं, लेकिन केएल राहुल की माने तो स्ट्राइक रेट बहुत ओवररेटेड चीज़ है। खैर, विराट कोहली 71 शतक हो गए उनके, लंबा सा इंतज़ार था, ऑलमोस्ट 3 साल से हम सबको इंतज़ार था इस बात का, हम सब वेट कर रहे थे कि कब किंग कोहली अपना 71वां शतक मारे। और उनके शतक पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आईं, एबी डिविलियर्स ने बड़ी अच्छी फ़ोटो ट्वीट की, तमाम लोगों ने किया, लेकिन ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे हैं और किस किस तरह की तमाम सारी बातें होती रहती हैं। इन रिएक्शंस की शुरुआत करेंगे शोएब अख्तर के ट्वीट से। शोएब अख्तर जो कि अपनी बहुत तेज बॉलिंग के लिए जाने जाते थे, और ये देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ही इज़ फाइनली बैक, आखिरकार वो लौट आया। विराट कोहली इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स, इस गेम के ग्रेट्स में से एक है विराट कोहली, और 71वें शतक का बहुत दिन से इंतज़ार था। ये ट्वीट किया शोएब अख्तर ने, काफ़ी खुश थे शोएब ने एक वीडियो बना के भी डाला अपने यूट्यूब चैनल पर। अगला ट्वीट है हसन अली का, हसन अली भी अगर मैं कहूँ कि थोड़े से विवादों में ज़्यादा रहते हैं तो गलत नहीं होगा, अक्सर इनके सेलिब्रेशंस तमाम सारी चर्चाएँ बटोरते हैं, तमाम सारी आलोचना भी होती है। हसन अली ने ट्वीट किया, द ग्रेट इज़ बैक, आई एम वी कोहली, विराट कोहली को टैग करते हुए ट्वीट किया हसन अली ने, द ग्रेट इज़ बैक, और वो लौट आया है। कमाल का कैरेक्टर है हसन अली का, काफ़ी चर्चित क्रिकेटर्स में से एक हैं, और ये काफ़ी खुश हैं विराट कोहली की सेंचुरी से। टीवी चलाना सीख ही रहा हूँ, कोई गलती हो तो ट्रोल मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, इमाद वसीम कमाल के प्लेयर रहे हैं अपने ज़माने में और कमाल क्रिकेट खेलते रहे हैं। हाँ, इन्होंने लिखा, द बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लेनेट इज बैक, यानी इस धरती का जो सबसे बड़ा, इस ग्रह का जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो लौट आया। इन्होंने साथ में हैशटैग लगाया GOAT, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जो कि विराट कोहली के लिए यूज़ किया जाता है, रोहित शर्मा के लिए भी किया जाता है, लेकिन विराट के फैंस की माने तो विराट थोड़े ज़्यादा बड़े वाले गोट है। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद आमिर अक्सर अपने ट्वीट्स के लिए चर्चा में रहते हैं, पहले बॉलिंग के लिए रहते थे, इस समय CPL खेल रहे हैं और CPL में काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ, किंग कोहली द्वारा कमाल का शतक। किंग कोहली, या एक जब पाकिस्तानी प्लेयर विराट को किंग कोहली कहता है तो उसका मज़ा ही अलग होता है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के फैंस जो हैं वो अक्सर बाबर को किंग बाबर कहते हैं, ऐसे में अगर कोई पाकिस्तानी किंग कोहली को किंग कह रहा तो बड़ी अच्छी चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, वहाब रियाज का वो स्पेल आपको अगर याद हो जो शेन वॉटसन के अगेंस्ट उन्होंने फेंका था, और मुझे लगता है कि गरिमा जी ने इस पर एक वीडियो भी किया हुआ है, आप ललन टॉप स्पोर्ट्स पर जरूर देखिएगा, तमाम सारे स्पेल्स की चर्चा करते हुए इस स्पेल की भी बात हुई है, उसमें वर्ल्ड कप 2015 के वर्ल्ड कप में शेन वॉटसन के सामने ये स्पेल फेंका गया था। वहाब रियाज ने लिखा, क्रिकेट लुक्ड इनकम्प्लीट, यानी क्रिकेट जो है वो कम्प्लीट नहीं दिख रहा था, विराट कोहली के रन जब वो नहीं बना रहे थे उस टाइम क्रिकेट इनकम्प्लीट दिख रहा था। रन मशीन को वापस देखना काफ़ी सुखद है, कोहली शो का पूरा मजा उठाया, ये वहाब रियाज ने ट्वीट किया। अगला ट्वीट, वकार यूनिस कमाल के बॉलर हैं, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, जब खेलते थे क्या कमाल का खेलते थे, फॉर्म इज टेम्पररी क्लास इज परमानेंट, ये कोट इतना घिस चुका है लेकिन फिर भी देखने में, सुनने में, पढ़ने में आ ही जाता है, और ये बताता है कि फॉर्म जो है वो आती जाती रहती है लेकिन क्लास जो है वो परमानेंट है, और विराट कोहली एक क्लासिक प्लेयर है इसमें कोई शक नहीं है। इनिंग्स ऑफ डोमिनेंस बाय विराट कोहली ने एक डोमिनेंट इनिंग खेली और उन्हें अपने बेस्ट पर वापस देखना बहुत कमाल की बात है। उन्होंने साथ में विराट कोहली की एक फ़ोटो भी लगाई जिसमें विराट कोहली कवर ड्राइव खेल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत शॉट बता रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये विराट कोहली कौन सा शॉट खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अहमद शहजाद मास्टर क्लास, विराट कोहली के द्वारा एक कमाल की मास्टर क्लास, उन्होंने पूरी दुनिया को आज रात दिखा दिया कि वह किस मिट्टी के बने हैं। हालांकि यह ऑलमोस्ट एक डेड रबर था, यानी ऐसा मुकाबला था जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी इंडिया के लिए इस एशिया कप में, लेकिन
चीकू की ये जो फॉर्म है वो आने वाले वर्ल्ड कप में भारत के लिए निश्चित तौर पर स्वर्णिम होगी, गोल्डन होगी, गोल्ड होगी। तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के जो ट्वीट्स आपने देखे कैसे लगे आपको, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप विराट कोहली के 71वें शतक पर अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट्स में दर्ज कराएं। और ललन टॉप देखते रहें, ललन टॉप स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सूरज हूँ, आपके लिए ये वीडियो शूट किया था जतिन ने, शुक्रिया।